हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है सरोजनी नगर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया हुआ टाइटल से और इंट्रो से, तो ये स्पेशली है समर के लिए और स्पेशल फॉर समर क्लोथिंग। और आपको आइडिया मिल जाएगा मार्केट में किस तरह के कपड़े आए हुए हैं, क्या चीज़ नई आई है। और स्पेशली ये 2020 का है, इस साल का पहला व्लॉग है मेरा, वो भी सरोजनी नगर मार्केट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी। तो इस तरह के बहुत सारे टॉप्स आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज़ में। बहुत ही अच्छे फ्रेश पीस मिल जाते हैं और थोड़ा सा बस एक्सप्लोर करना होता है आपको मार्केट। और अगर आप दिल्ली में रहते हो, सरोजनी गए हो, तो आपको पता ही है वहाँ पर किस तरह से आपको शॉपिंग करनी होती है। अगर नहीं जानते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा कि किस तरह से शॉपिंग करते हैं सरोजनी में। तो थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है, बीच में बारिश भी हो ही रही है, उसके बावजूद मार्केट में बहुत अच्छे आइटम्स आए हैं स्पेशली समर के अकॉर्डिंग्स। हॉसरी के मटेरियल में आपको एक से एक टॉप्स मिल जाएंगे 50 के रेंज में, और कॉटन वाले टॉप्स थोड़े से लाइक 100 के अराउंड में थे, और सिंथेटिक कपड़े वाले तो आपको उससे भी कम में मिल जाएंगे। बट इस तरह की टी शर्ट्स बहुत अच्छी आई हुई हैं, बहुत ही कम्फर्टेबल होती हैं, तो आप इस तरह के टी शर्ट्स वगैरह आप ले सकते हो 50, 100, 200 के रेंज में। और बहुत सारे वैरायटीज़ हैं वाइट टी शर्ट्स, वाइट डेनिम और वाइट टॉप्स के इस मार्केट में। स्पेशली आजकल अगर आप जाते हो तो इसी तरह का आपको आइटम्स मिलेगा। और ये पैच वर्क वाले टी शर्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं ब्लू डेनिम के साथ। और ये लेन बहुत फेमस है ग्राफ्टी वाली, उसी लेन में ये सारा न्यू आइटम्स आया है इस बार, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। अगर आपको स्पेशली वाइट कलर की टी शर्ट्स शर्ट्स लेनी है, ड्रेस लेनी है, तो इस लेन को ज़रूर चेक करना। एंड इस तरह का हैंडीक्राफ्ट के तो मिलते ही हैं नॉर्मली, और इस तरह के आइटम्स लाजपत नगर में भी 30 रुपीज़ पर पीस के मिलते हैं, तो आप वो ये चीज़ आप लाजपत नगर से ले सकते हो। तो यहाँ पे 100-100 रुपीज़ की स्लीपर सैटल्स मिल रही थी फ्लैट में, क्वालिटी वाइज अच्छी थी, बट यही था कि एकदम फ्लैट थी। 80 रुपीज़ के स्टॉल्स भी लगे हुए थे टॉप्स वगैरह के, ड्रेसेस भी थी इसमें। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉप्स थे, काफ़ी स्टाइलिश लग रहे थे और क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे और फ्रेश लग रहे थे। और सबको पता है यहाँ पर हर तरह के पीस एक साथ लाइक सेल करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देकर आप टॉप वगैरह ख़रीदें। और बैग्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी समर के अकॉर्डिंग्स, काफ़ी अच्छे कलर्स में बैग्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको बैग लेना है तो आप एक बार चेक कर सकते हो मार्केट को। और सिंथेटिक कपड़े के टॉप्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, पर यही है कि हम समर्स में ऐसे कपड़े पहनते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। हॉस्टी और कॉटन का बेस्ट होता है। और यहाँ पे इस तरह के आपको 20 रुपीज़ के बहुत अच्छे अच्छे इयरिंग्स मिल जाएंगे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। 20 रुपीज़ में आज की डेट में आता क्या है, पर यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे इयरिंग्स मिल जाएंगे। और एक स्टॉल पे 80 रुपीज़ का शायद टॉप था ये वाला, और इस पे फॉरएवर 21 का लाइक टैग लगा हुआ था, और पता नहीं ये रियल था कि नहीं था, क्रॉप टॉप था। और यहाँ पे 80 रुपीज़ वाले में काफ़ी स्टाइलिश कुर्ते वगैरह थे, टॉप था। और यहाँ पे 50 और 80 वाले स्टॉल पे इस तरह के जैकेट श्रग्स मिल रहे थे जो विंटर के लिए हैं, बट यही है इन्हें हर जगह कैरी नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा सा ऑड लगेगा। और लुक वाइज अच्छा था, बट जब उसका यूज़ नहीं है तो फिर लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह सिंथेटिक कपड़े के टॉप्स लेने से बचें, क्योंकि ये ख़रीद तो लेते हैं हम लोग फिर पर इसे पहन नहीं पाते, क्योंकि दिल्ली में इतनी गर्मी होती है तो फिर ये बेकार में ही पड़े रहते हैं इधर उधर। तो इससे अच्छा है आप हॉसरी के या फिर कॉटन के ही टॉप्स ख़रीदें। और मंडे के दिन बहुत सारी शॉप्स जो हैं शोरूम, वो अपने डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स को सेल में डाल देते हैं। ये 100-100 रुपये के बैग्स थे, एंड ये 50 रुपीज़ के टॉप्स हैं, ये सारे सिंथेटिक कपड़े के थे, जॉर्जेट हो गया, क्रेप हो गया, इन सब के। और इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छे थे, फ्रेश पीस थे ये सारे 50 रुपीज़ में। और बहुत सारी वैरायटीज़ थी इस वाली स्टॉल पे, किंग्स शोरूम के बगल में था ये।
और वो बैग्स वाले जो हैं वो भी किन्स के बाहर ही था। ये टी शर्ट्स काफ़ी अच्छी थी। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इसका पार्ट टू, तो वो भी ज़रूर देखना। वो 8 बजे रात का शूट करा हुआ है कि उस टाइम किस तरह का सामान मिलता है और उसके प्राइस क्या होते हैं, या फिर आपको उससे आइडिया मिलेगा कि कब तक मार्केट खुली रहती है। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।